अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपको अपने लेमन प्लांट्स का अपडेट्स देने जा रही हूँ। ये देखें कि किस कदर खूबसूरत मेरे गार्डन में लेमन ग्रो हो रहे हैं और कितनी अच्छी, कितनी सारे लेमन लगे हैं। इनकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है, ये देखें आप। हर टहनी के साथ लेमन ग्रो हो रहे हैं, ये देखें। मैं पहले आपको लेमन बता दूं और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इतने सारे लेमन मैंने इनमें ऐसा क्या प्लांट में डाला कि मुझे इस पॉट में इतने सारे, इतने अच्छे लेमन मिले। आप देखें, पत्तों से ज़्यादा मेरे गार्डन में लेमन है। ये देखें इन प्लांट्स पर आप लेमन देखें, माशाल्लाह से पत्तों की तादाद से ज़्यादा इन पर लेमन लगे हुए हैं। लेमन को आप देखें, इतना जूसी, हालांकि अभी ये फुल तैयार नहीं हुआ, लेकिन बेहद जूसी, बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा ये लेमन है। माशाल्लाह से ये देखें आप, कितनी अच्छी ग्रोथ है लेमन्स की और बहुत साइज़ में बड़े होते जा रहे हैं। अभी मुकम्मल पक कर तैयार नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद देखें आपके लेमन किस कदर ज़्यादा मेरे प्लांट पर ग्रो हो रहे हैं। माशाल्लाह से पूरा प्लांट लेमन से भरा हुआ है और बहुत ही अच्छी इन लेमन्स की ग्रोथ हो रही है, ऊपर तक टहनी में और नीचे तक इसमें मुकम्मल तौर पर लेमन लगे हुए हैं। सारा प्लांटर लेमन से भरा हुआ है। इन लेमन की इतनी अच्छी ग्रोथ हासिल करने के लिए मैं क्या करती हूँ वो मैं आज आपको बताऊँगी कि इतने अच्छे लेमन मुझे कैसे हासिल होते हैं। ये देखिए आप, इनकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो इतनी अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने इनके जो पॉटिंग मिक्सचर था उसमें मैंने काउट्रंक, बिल्कुल ड्राई हुई हुई काउट्रंक शामिल की थी, और इसके अलावा मैं हर हफ्ते में इन पर बनाना पी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी वजह से माशाल्लाह से मेरे गार्डन में इतने सारे लेमन ग्रो हो रहे हैं। और पॉट में इतने सारे लेमन हासिल करना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये देखें कि माशाल्लाह अल्लाह की मदद के साथ मैंने ये सब कुछ कर लिया। मैंने पॉट में ही इतने अच्छे, इतने सारे लेमन हासिल कर लिए हैं। सिर्फ यही एक प्लांट नहीं है मेरा, माशाल्लाह से ये देखें, ये एक टिन में लगा हुआ मेरा लेमन का प्लांट है और यहाँ पर आप लेमन की ग्रोथ देखें। लेमन इस, ये पूरा तो जैसे ट्री बन गया है ना लेमन का, और इस पर आप लेमन का साइज़ देखें, लेमन देखें किस कदर बड़े बड़े लेमन इसके साथ ग्रो हो रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे यहाँ पर लेमन ग्रो हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बड़े बड़े साइज़ के लेमन हैं। और ये पूरा प्लांटर भी लेमन से भरा हुआ है। अब आप देखें नीचे, बिल्कुल जहाँ पर प्लांट शुरू होता है वहाँ से ये लेमन स्टार्ट होते हैं, और हर साइज़ के लेमन होते होते माशाल्लाह से कितने सारे लेमन हैं। काउट्रंक का फर्टिलाइज़र बहुत बेस्ट है इनके लिए, आप लिक्विड में भी डाल सकते हैं और इसकी पॉटिंग मिक्सचर में भी डालेंगे तो आपको ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा जैसा माशाल्लाह मेरे इन पॉट्स में लगे हुए लेमन प्लांट्स का है। माशाल्लाह सब प्लांट भरे हुए हैं लेमन के साथ, बहुत ज़्यादा जो येलो हो जाता है ना तो हम उसे तोड़ भी लेते हैं। अब मैं आपको तीसरा अपना प्लांटर दिखाती हूँ, छोटा सा गमला है, आप यकीन करें ये छोटा सा गमला है, और ये देखें बिल्कुल स्टार्ट में ये लेमन किस कदर जूसी, जूसी का आप अंदाज़ा कर सकते हैं, किस कदर जूसी, फ्रेश और ज़बरदस्त से लेमन इसके साथ ग्रो हो रहे हैं। माशाल्लाह से ये देखें आप, कितने ज़्यादा ज़्यादा लेमन इसके साथ लगे हैं, और इसकी वजह यह है कि मैं इनमें फर्टिलाइज़र का बहुत ख्याल रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इन पर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादातर मैं लिक्विड में करती हूँ। और इसके अलावा मैंने इनके पॉटिंग मिक्सचर में एग शेल भी डालती हूँ, ये देखें एग शेल भी मैं डालती हूँ, ये मैंने ड्राई होने के लिए बहुत सारे यहाँ रखे होते हैं।
और मैं तकरीबन हर 10 दिन के बाद 2-3 एग शेल जो ड्राई हुए हों वो इनमें डाल देती हूँ। उससे इन्हें कैल्शियम मिलता है। मेरे पत्तों का लश ग्रीन कलर देखें आप, बिल्कुल लश ग्रीन कलर है। और फ्रूट देखें आप कितना जूसी, कितना प्यारा और कितना भर भर कर लेमन लग रहे हैं। पॉट में आपने बहुत कम इतनी अच्छी फ्रूटिंग देखी होगी लेमन के प्लांट पर। ये मेरा टेरेस गार्डन है और टेरेस गार्डन में माशाल्लाह पॉट में इतने अच्छे लेमन बहुत मुश्किल से हासिल होती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत ये है कि हम इनका ख्याल रखें, इनके प्लांट की गोडी करते रहें, गुडाई करते रहें। और इसके अलावा इसमें काउट्रंक, जब पॉटिंग मिक्सचर हो तो उसमें काउट्रंक ड्राई हुआ हुआ बिल्कुल छान कर मैंने डाला था और माशाल्लाह से अब ये मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। इसके अलावा मैं हर 10 दिन के बाद, आप यकीन करें, लिक्विड कुछ ना कुछ डालती हूँ। बनाना पील भी डालती हूँ। इसके अलावा मैं ये काउट्रंक जो है इसको भी लिक्विड फॉर्म में डालती हूँ इन प्लांट पर। हर 10 दिन के बाद मैं ज़रूर अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करती हूँ, ज़रूर इनमें खाद डालती हूँ और लिक्विड की सूरत में। लिक्विड जो होता है फौरन हमारे प्लांट की जड़ों से जज़ब होता हुआ फौरन से यानी प्लांट को हेल्थ देता है और इस तरह का रिज़ल्ट आता है और इस तरह के लेमन ग्रो होते हैं। अब आप देखिए माशाल्लाह से मेरे गार्डन में लेमन प्लांट की ग्रोथ, 3 मुख्तलिफ इकसाम के लेमन हैं। ये देखें ये कितना प्यारा जूसी बड़े बड़े से लेमन है। ये बहुत ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह कम से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा तादाद में लेमन लगे हुए हैं हर टहनी पर, हर जगह आप देख सकती हैं। ये लेमन की दूसरी किस्म है, यकीन माने ये इतना जूसी है बहुत ज़बरदस्त। 2 किस्में ये और एक लेमन मेरे पास ज़रा लंबाई के रुख का है, वो भी बहुत जूसी, बहुत प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेमन है। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में लेमन की 3 एग्जाम देखकर और लेमन की इस कदर ज़बरदस्त ग्रोथ देखकर? अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताएं कि आपको मेरे गार्डन में ये लेमन की ग्रोथ कैसी लगी। आप भी अपने गार्डन में लेमन ग्रो करें और लेमन का प्लांट नर्सरी से ले आएँ और फिर उसे किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करके, जैसे कि मैंने इस तरह की बकेट में इन्हें शिफ्ट किया है, जिसकी अब इसका तना देखिए आप कितना मोटा और हेल्दी इसका तना है। कटिंग भी करती रहती हूँ साथ साथ, जब फ्रूटिंग ख़त्म हो जाती है तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, तो जिसकी वजह से नई शूट्स आती हैं और इस तरह भर भर कर मुझे लेमन मिलते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।